हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम चौतीस साइज़ के ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे ये हम बोट नेक पर बनाएंगे तो हमारा मेन फैब्रिक है इसी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे जो भी हमारी लेंथ है उसमें हमें एक इंच प्लस करके लेना है तो लेंथ लेंगे हम चौदह इंच तेरह इंच हमारी कम्प्लीट लेंथ है अब शोल्डर लेंगे सात इंच आर्म होल भी लेंगे सात इंच इस तरीके से हम लाइन को सीधा करेंगे अब हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे साढ़े आठ इंच और डेढ़ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन अब नीचे से कमर के लिए साढ़े सात इंच और डेढ़ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरीके से हम लाइनों को मिला देंगे डेढ़ इंच के आरमूल में गोलाई देते हुए हमने निशानों को लगा लिया है अब हम कटिंग करेंगे तो कटिंग करने के बाद हम गले का निशान लगाएंगे तो हम चौड़ाई लेंगे चार इंच और लंबाई लेंगे साढ़े तीन इंच इस तरीके से हम निशान लगाने के बाद अब नेक का शेप बना लेंगे तो नेक का शेप बनाने के बाद हमने आठ इंच लंबाई में नीचे निशान लगाते हुए इस तरीके से हमने गले के डिज़ाइन के लिए निशान लगाया है आप इस डिज़ाइन के लिए हमारे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं तो इस तरीके से हमने जिस तरीके की डिज़ाइन स्तर पर बनाई है उसी निशानों को हम पेपर पेस्टिंग पर बना लेंगे तो हमें पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके रखना है तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर लेंगे इस डिज़ाइन को आप हमारे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं तो बाहर से हम आधा इंच दूरी से इसकी कटिंग करेंगे तो गले की डिज़ाइन की कटिंग हमने कर ली है अब इसको हम अस्तर पर जॉइंट करेंगे पहले तो हम अस्तर रखेंगे और इसको अस्तर पर अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और पिंस लगा लेंगे चारों तरफ जिससे हमारा पेपर पेस्टिंग अच्छे से सेट रहे और इसमें हम दोनों तरफ से सिलाई लगा कर इसको अच्छे से सेट करेंगे ऐसे आप चाहें तो प्रेस से भी चिपका सकते हैं तो इस तरीके से हम दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे सिलाई लगाने से ये अच्छे से सेट हो जाता है तो सिलाई हमें बिल्कुल किनारे से लगाना है इसको दबाती हुई सिलाई नहीं लगाना है वरना फोल्ड करने में हमें परेशानी होती है तो हम बाहर से भी इस तरीके से हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारा ये गला है जो वो अच्छे से सेट हो जाएगा तो इस तरीके से हमने इसको अस्तर पर अच्छे से सेट कर लिया है अब इसको हम मैन फैब्रिक के साथ ज्वाइन करेंगे तो हम मैन फैब्रिक को सीधा रखेंगे उसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे और फिर हम पिंस लगाकर गले पर सिलाई लगाएंगे तो सिलाई हमें पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से ही लगानी है जिस तरीके से हम घुमाते हुए अच्छे से सिलाई लगाएंगे बीच में से हमें सिलाई को इस तरीके से मोड़ते हुए सिलाई लगाना है क्योंकि हम इसको बीच में से कट करेंगे तो हमारे गले का जो जॉइंट है बीच में वोटनेक के पास वहाँ से हमें इसे इस तरीके से घुमाते हुए सिलाई लगाना है तो सिलाई लगाने के बाद अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है बीच में उसकी हम कटिंग कर देंगे तो इस तरीके से बीच में कट लगाते हुए हमें इस इसमें कटिंग कर लेना है कट करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और तो कट्स लगाने के बाद इसको हम पलट कर अच्छे से सीधा कर लेंगे तो इस तरीके से हमने इसको सीधा कर लिया है अब इसमें हम चारों तरफ से सिलाई लगा कर इसको अच्छे से सेट से करेंगे जिससे हमारा अस्तर और हमारे फेब्रिक अच्छे से सेट हो जाए तो हम चारों तरफ से इसमें अच्छे से सिलाई को लगा लेंगे तो इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगा कर इसको कंप्लीट कर लिया है अब इसको हम साइड करेंगे और इसको डेकोरेट करने के लिए हम ढाई से तीन इंच की चौड़ी पट्टी लेंगे और इसकी हम फ्रिल बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें पास पास इसको करते हुए अच्छे से फ्रिल बना के रेडी कर लेना है तो फ्रिल की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो इस तरीके से हमें फ्रिल बना के रेडी कर लेना है अब इसको हम ब्लाउज में लगाएंगे तो सबसे पहले हम दोनों बैक टक्स डाल लेंगे तो बैक टक्स डालने के बाद अब हम उस फ्रिल को कमर की तरफ लगाएंगे तो सबसे पहले हम फ्रिल रखेंगे उसके ऊपर हम एक सीधी पट्टी रखेंगे तो इस तरीके से हम कमर पट्टी लगाएंगे इस तरीके से हमें फ्रिल को अंदर की तरफ रखते हुए लगाना है इससे हमारी फ्रिल के जो ज्वाइंट है वो नहीं दिखेगा अंडरग्राउंड हो जाएगा तो इस तरीके से हमें इसको लगाना है तो हम इस पर सीधी सिलाई लगाते जाएंगे अब इसको बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए हम एक सिलाई और ऊपर से लगा देंगे जिससे हमारी कमर पट्टी भी लग जाएगी और फ्रिल भी लग के कम्प्लीट हो गई है तो इस तरीके से हमने इस फ्रिल को लगाया है कमर पे जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है तो अब इसको हम साइड करेंगे और फिर से हम तीन इंच की एक लंबी पट्टी कट करेंगे और फिर से हम एक फ्रिल बनाएंगे तो इसी तरीके से हमें कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए फ्रिल बनाना है इस तरीके से हम फ्रिल बना के रेडी करेंगे तो हमने फ्रेल बना ली है अभी से हम ब्लाउज़ में लगाएंगे तो ब्लाउज में हमें इस तरीके से लगानी है तो इसे हमें आर्मोल की तरफ से लगाते हुए नीचे की तरफ लगाना है तो इस तरीके से हमें तो हमने जो गले का शेप बनाया है उसी शेप के पास से हमें इस फ्रिल को लगा लेना है तो फ्रेल लगाने के बाद अब हमने जो फ्रेल लगाई है उसके जॉइंट पर हम लेस लगा देंगे तो इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसको हम काट देंगे फ्रेल के पास से और फिर उसके ऊपर से हम इस लेस को लगा लेंगे जिससे हमारा इसका लुक और भी अच्छा आ जाएगा तो हमने लेस लगा कर इसको कंप्लीट कर लिया है तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में अब हमारी गले का जो बीच का जॉइंट है उसमें हम बटन लगाएंगे तो बटन बनाने के लिए हमने यहाँ छोटा डबल कपड़ा लिया है और उसमें हम बीच में एक बटन रखेंगे और अब हम इस पर अच्छे से धागा लपेटते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम पीछे से कट कर देंगे तो इस तरीके से आप भी घर पर बटन को बना सकते हैं तो अब हम बटन को सुई धागा की मदद से इसमें लगा देंगे तो इस तरीके हमारी सुंदर सी डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गई है आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको इस डिज़ाइन को बनाना बताया है तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है डिज़ाइन देखने में आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा धन्यवाद